वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का स्वागत है वापस से एक शानदार से दिन में। और आज के दिन हम लोग पेपा पिक की बात करेंगे। वैसे इसका नाम कितना अजीब है, पर कोई नहीं, ये खतरनाक सा पिंक कलर का सुअर है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो आज के दिन हम लोग इसके खतरनाक से स्केरी एनिमेशन को देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ये वीडियो बहुत मस्त होगी। तो चलो फटाफट से पॉपकॉर्न ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो और इस बड़ी सी वीडियो को एंजॉय करो। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये रहा पहला एनिमेशन। तुम लोग इसका नाम देख सकते हो, आई कैन काउंट टू थ्री। यार इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है मेरे को नहीं पता, पर चलो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब मेरी जो है आवाज सुन के फट गई, पर दोस्तों ये कैसा आवाज है। ऑल राइट हम लोग आगे देखते हैं। इस वीडियो के अंदर तो एक नैरेटर है जो कि इंग्लिश में बात कर रहा, अब पर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं, ये कैसा आवाज है। पेपा पिक किधर है? हाउ टू काउंट टू थ्री। ओके वो हमें तीन तक की गिनती सिखा रहा है, पर मैं दोस्तों स्मॉल टू, मेरे को पता है तीन तक की गिनती। वन फोर थ्री। ऑल राइट तो ये रहा पेपा पिक का कमरा। ये क्या हो रहा है? मम्मी आई रे, ये क्या है? ये पेपा पिग है, ये तो शैतान है और उसने अपने पापा पिग को खा लिया। ये रहा दोस्तों जॉर्जी। ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये सब क्यों देखता हूं, क्या मतलब पैसों का चक्कर है। ऑल राइट हम लोग वापस से पीछे देखते हैं, ये क्या मानुस है। ऑल राइट इसके मुंह पे बहुत ज्यादा खून लगा है। ये रही दोस्तों मम्मी पिग, ये रहा जॉर्जी जो कि एक बेड के नीचे छुपा हुआ है। ये रहा इविल पेपा पिग। आई ये खा के दोस्तों सांड क्यों हो गया है। ऑल राइट तो ये जो है अपने कमरे से बाहर निकल रहा है, इतना मोटा हो गया है कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा। वो जो है शायद जॉर्जी को चुप कर बे कुत्ते, ऐसे ऐसे महक के पता करने की कोशिश कर रहा। पर एक सेकंड में क्यों सुअर वाली हरकत कर रहा हूँ। ये रही मम्मी पिग, ये रहा जॉर्जी। और नल्ले क्या हाल चाल है, क्या मतलब तेरी फटी पड़ी है। मम्मी पिग उसे बुला रही है, बेटा जल्दी मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारी बहन तुम्हें मार देगी। ओ सेट पेपा पिग यहाँ पे आ चुकी है। ओ नहीं, अरे ये दोस्तों मच्छर तो एकदम नाक में उंगली कर दिया है, पर कोई नहीं। ये देखो आप लोग, ये पेपा पिग के हाथ में ये मम्मी पिग का मरा हुआ मीट है। ओ माय गॉड। ओके आगे देखते हैं। ऑल राइट जॉर्जी अभी भी बेड के नीचे है, वो बेचारा नल्ला सो रहा है और पेपा पिग अपने मम्मी को खा रही है। ये कितना इविल साउंड कर रहा। ओ सेट मेरे ख्याल से जॉर्जी भी मरने वाला है। दोस्तों ये वीडियो पूरा इंग्लिश था, पर मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ मैं सिर्फ ये फुटेज देख लेता हूँ। ओ सेट जॉर्जी मरने वाला है। पर मेरे से क्या मतलब। आए अबे नल्ले, ये तेरे नाक से क्या ग्रीन ग्रीन निकल रहा है। बेचारे को डर के मारे सर्दी हो गई, वो रो रहा है। आई कैन काउंट टू थ्री। ओके मैं तीन तक की गिनती कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे को तो तीन तक की गिनती शायद से नहीं आती है, आपको आती है ढंग से गिनती तो नीचे अपनी गिनती बताना। गया नल्ला गया काम से दोस्तों। और एक सेकंड, ये वाले फ्रेम में देखो,
जॉर्जी की हाइट कितना ज्यादा छोटी है, वो नल्ला कितना छोटा सा है, और ये इविल पेपा पिग कितनी ज्यादा बड़ी है। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों जॉर्जी का भी खेल खत्म हो चुका है, उसका द एंड हो गया। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये रहा सेकंड एनिमेशन। वाओ, हमारे सामने मोटे डैडी पिग है, राइट साइड में मम्मी पिग, और नीचे दो छटंकी से बच्चे। ये लोग इंग्लिश में फिर बात कर रहे हैं, यार मेरे को वापस समझ नहीं आएगा, पर मैं समझने की कोशिश करूंगा। ओके, डैडी पिग मेरे ख्याल से बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं, वो वहां से शायद टॉर्च लेने जा रहे। वाओ, डैडी पिग की सिर्फ आंख दिख रही है, वो कुछ ज्यादा ही काले हैं। नो 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 रेसिस्ट जोक दोस्तों। ओके ओके, मम्मी पिग को याद आ चुका है कि वो टॉर्च असल में किचन के अंदर है। यो मैन, यहाँ पे कितना अंधेरा है वैसे, बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। और ये क्या, डैडी पिग के आसपास कोई है? यो कौन है पास में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मेरे को डर लगा। हाँ, कौन कमेंट कर रहा है मेरी फटी पड़ी है? ओके, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। डैडी पिग का तो दोस्तों स्वाहा हो गया। डैडी पिग हैज बीन गॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, इस वीडियो के अकॉर्डिंग डैडी पिग काफी समय पहले मर चुके हैं। ओ, बेसिकली मैं कुछ नहीं समझा। ओ वाओ, वो अभी तक बेसमेंट में पड़े हुए हैं और किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। ओके, लेटर दैट नाइट। यो मैन, ओके, तो ये जो है कमरा है, यहाँ पे पेपा है, यहाँ पे जॉर्जी है। वाओ, ये नल्ला भी यहाँ पे है। ओके, वो खिड़की में से झांक रहा है, वो तो खिड़की के बाहर था ना, फिर वो अंदर कैसे आ गया? आई डोंट नो दोस्तों, पर मेरे को कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है अंदर आने का। यो, वो मास्क पहन रहा है। ओके, वो जो है मास्क पहन के अंदर आया है। क्या, वाओ, उन दोनों की दोस्तों हालत खराब हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब वो दोनों भी मरेंगे। वाओ, मौत का तांडव शुरू हो चुका है। वाओ, वो दोनों मर गए। क्या मस्त म्यूजिक है। निकल ले भाई तू। ऑल राइट, आगे देखते हैं भाई। ये अंधेरा हटा, मेरा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को सामने। ओके, फाइनली दोस्तों, जमानों के बाद मम्मी पिग बेसमेंट में गई हैं और उन्हें अब डैडी पिग मिलेंगे जो कि निपटे हुए हैं। दरवाजा किसने बंद कर दिया? ओके, अरे मम्मी पिग, अंधी मत हो, तुम सामने देख सकती हो, तुम्हारे हस्बैंड तो निपट चुके हैं। सो सैड हुआ, पर मैं हूँ ऑप्शन में। अबे साले। ऑल राइट, मम्मी पिग आगे क्यों जा रही है? उन्होंने अपने हस्बैंड को वैसे ही मरा हुआ छोड़ दिया। और ये क्या, टू बी कंटिन्यूड। चलो फटाफट से अगला पार्ट देखते हैं। ओके दोस्तों, ये देखो, ये रहा सेकंड पार्ट, ये भी स्टार्ट हो चुका है। सामने वो रही मम्मी पिग। ओके, सिट, वेयर डू आई गो? ओ, तो मम्मी पिग कंफ्यूज है कि उन्हें कहां पे जाना है। दरवाजे की आवाज है दोस्तों। हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा। और ये देखो, इविल पेपा पिग यहाँ पे आ चुकी है। ओके, कुछ तो आवाज हो रहा है। ओके, मेरे ख्याल से दोस्तों मम्मी पिग का भी खेल खत्म है, क्योंकि वो इविल पेपा पिग उन्हीं के पास जा रही है। यो, ये तो एक नोट है, दे नेवर लिसेंड। ओके, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? दे नेवर लिसेंड, उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आहा, शायद इसका यही ट्रांसलेशन है।
ओके ये पर इस नोट का मतलब क्या है? शायद से ये इविल पेपा पिग हमसे या फिर मम्मी पिग से कुछ कहना चाहती है। ये यार ये कैसा बेसमेंट है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कैसा आवाज है दोस्तों, कोई रो रहा है मेरे ख्याल से। अबे पर हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो साक्षात एक भूत है। पर ये रो क्यों रही है? ओके ऑल राइट, आगे देखते हैं। ये क्या हो रहा है, किसी का आंख खोल रहा है। आई मम्मी पिक तो अभी बेसमेंट के अंदर थी, वो अपने बेसमेंट से बाहर आ चुकी हैं, वो अपने घर के पास आ चुकी हैं। यो मैन, मम्मी पिग ने देख लिया कि उनके दोनों जो बेटे हैं वो निपट चुके हैं। और ये क्या सामने एक और नोट है, अंदर नोट। ओके इसे भी पढ़ते हैं। दे लेफ्ट मी टू रोट इन द सैड आई एस्केप्ड। ओके इविल पेपा पिग हमसे बेसिकली कुछ कहना चाहती है। ये भी टू बी कंटिन्यूड, हमें इसका भी अगला पार्ट देखना होगा। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो थर्ड पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोग सेड नामक जगह की बात कर रहे थे, तो अब हम लोग सेड नामक जगह पे आ चुके हैं। पर सेड होता क्या है? मेरे ख्याल से दोस्तों झोपड़ी होता होगा। और ये क्या, इसके अंदर भी नोट है। इफ यू फाइंड दिस आई विल लीव द क्या है आगे, ये क्या लिखा है? मेरे ख्याल से की ऑन द डेस्क, आई विल ट्राई टू फाइंड माय वे आउट ऑफ हियर। भाई इतना भयंकर इंग्लिश मत लिखा करो कि मेरी हालत खराब हो जाए। ओके मेरे को नोट के बारे में तो बेसिकली कुछ नहीं समझ आया, पर हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यो हमें एक चाबी मिल चुका है, उस नोट में एक चाबी की बात हो तो रही थी। यार अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि वो जो इविल पेपा पिग है वो सारे फैमिली मेंबर्स को मारना क्यों चाहती है। बीवेयर ऑफ द ओल्ड वोमैन हु लिव्स इन द सेड। होली क्रैप, लाइट कट चुकी है। ओ मम्मी ये कौन है, मेरी तो फट गई। ऑल राइट अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए कि इविल पेपा पिग सबको क्यों मार रही है। ओके मम्मी पिग ने अच्छा डिसीजन लिया है, वो उस झोपड़पट्टी में से बाहर निकल चुकी हैं। आई कैन सी मैं तो डर गया, क्या बात है, क्या शानदार जंप स्केयर था। मम्मी पिग वो जंप स्केयर देख के डर गई और वो बेहोश हो गई। इविल पेपा पिग मेरे ख्याल से इन्हें किडनैप करने वाली है। पर एक बात मेरे को नहीं समझ आ रहा, इविल पेपा पिग ने सबको मार दिया पर वो मम्मी पिग को नहीं मार रही है, ऐसा क्यों? ये रो रही है क्या? अबे इतना नौटंकी करने के बाद तू रो कैसे सकती है? तुमने देखा दोस्तों ये तीनों कितने डेंजरस लग रहे हैं। ओ तो फाइनली दोस्तों मम्मी पेपा पिग को होश आ चुका है। तो दोस्तों ये रहा पेपा पिग का पहला एनिमेशन, चलो फटाफट से एंजॉय करते हैं। ये बल्ले बल्ले। ओके जॉर्ज है छटंकी सा, उसने लाइट बंद किया। ये रही पेपा पिग, इसका नाम कितना अजीब है पेपा पिग। अबे इतना घटिया नाम थोड़ी होता है किसी का। चलो कोई नहीं आगे देखते हैं। तो जॉर्ज जो है लाइट बंद कर रहा है। यो मैन तुमने देखा, ये देखो यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तुम्हें नहीं पता तो ये काले जादू का साइन है। एक सेकंड, मेरे को कैसे पता, क्या मतलब मैं भी काला जादू करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। उसने फिर से लाइट बंद किया, सब कुछ तो नॉर्मल है। नहीं 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 कुछ भी नॉर्मल नहीं है, दीवार पे से खून आ रहा है। ओके सब कुछ बहुत अजीब है। यो 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 ये कुछ ज्यादा हो गया, ये देखो ये कितनी अजीब लग रही देखने में।
मेरा इस दुनिया पे से विश्वास उठ रहा है। पेपा पिग ने जॉर्ज को आखा चाक मार दिया है। ये रहे डैडी पिग। पेपा पिग ने डैडी पिग को भी मार दिया। वाओ, नाइस, क्या बात है। चलो दोस्तों, तो ये रहा सेकंड एनिमेशन। ये देख सकते हो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। चलो इसे भी देखते हैं। दिस इट्स वेरी ग्रोन अप। ये शोल्डर्स नीज एंड टो। ये क्या है? ये क्या है भाई? लेफ्ट साइड में पेपा पिग, राइट साइड में जॉर्ज, दोनों बहुत अजीब हैं। ये लोग रेडियो सुन रहे हैं। आई थिंक इट माइट बी ब्रोकन। जॉर्ज कह रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा रेडियो टूट गया। अबे तो चुप, रेडियो बनवा जाके। ये कहने की क्या जरूरत है? ओके, तो उनकी मम्मी जो है इन दोनों को घर बुला रही हैं। ओके, ये लोग घर जा रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी का आदेश है और उन्होंने घर न जाके मम्मी का आदेश टाला तो एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगी, इसलिए ये लोग जा रहे। ओके, ये रहा फैमिली टाइम। जॉर्ज, I'm not sure how to tell you this, but ये कैसी फैमिली है? What? ये कैसी फैमिली है भाई? इतनी गंदी फैमिली किसकी होती है? ये डैडी पिग, ये मम्मी पिग, ये दोनों बच्चे। I tell you this, but Grandpa Pig has passed away. Okay, Grandpa Pig मर चुके हैं। Oh, we're still not मम्मी sure. ये कह रही। He got into an altercation with Granny Pig, and she was only defending herself. ओके दोस्तों, मेरे को इंग्लिश कुछ ज्यादा ही आता है तो मैं अपना बिग ब्रेन इस्तेमाल करके तुम्हें ट्रांसलेट करता हूँ। तो दोस्तों, ग्रैंडपा पिग और ग्रैनी पिग में WWE बैटल हो जाता है और ग्रैंडपा पिग मर जाते हैं। ये बहुत अजीब है। अबे ये लोग क्या फालतू बकैती कर रहे हैं। ओके देखते हैं। ये क्या, डैडी पिग पेपा पिग को खाना चाहते हैं? डैडी पिग पेपा पिग को खाना चाहते हैं और ऐसे कर रहे हैं। वह वह एक सेकंड, मैं सुअर थोड़ी हूँ। हाँ, तुम लोग देख सकते हो ये कैसे कर रहे हैं। मम्मी पिग कह रही है कि तुम ज्यादा घबराओ मत, डैडी पिग सिर्फ तुम्हें खाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पेपा पिग मरने वाली है। ये क्या था? पेपा पिग ने कुछ जादू किया और अपने डैडी पिग को मार दिया। ओके, क्या बात है, पेपा पिग ने डैडी पिग और मम्मी पिग दोनों को मार दिया। वाओ, मेरे को बस मत मार देना, मैं तो सिर्फ थोड़ा व्यूज लेने आया हूँ और कुछ नहीं। ये रही मम्मी पिग, ये रही डैडी पिग। जॉर्जी इन दोनों को देख के बहुत घबरा रहा है। दोस्तों, कोई कह सकता है कि ये पेपा पिग है? यार, पेपा पिग कितनी प्यारी सी क्यूट क्यूट है, ये तो कितनी गंदी भद्दी बदसूरत है, जाहिल। सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैं। ओके, I don't know what's happening. इन दोनों में बहस हो रही है। I am not going anywhere with you. We're not safe here. I need you to trust me. ये दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं। I trust you. ओके, पेपा पिग बहुत शैतान है, उसने दोनों को मार दिया। ओके, तो ये स्पेस का व्यू है और स्पेस के अंदर ऑक्टोपस उड़ने लगा। दोस्तों, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की क्या? ये ऑक्टोपस स्पेस में कब से उड़ने लगा? तो ये दोनों लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। जॉर्जी और पेपा पिग दोनों घर छोड़ दिए। ओके, ये लोग भागते भागते किसी जंगल में आ चुके हैं। ये क्या हो रहा? You're my little egg, George. तुमने सुना, पेपा पिग जॉर्जी को भी मारना चाहती है। यो, ये मस्त है। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं जॉर्जी आखिर मरता है या फिर वो बच जाता है। Peppa, I don't want to die. ओके, तो जॉर्जी कह रहा है, पेपा, आहा। हाँ, ऐसे ही रोते हुए कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ओके, ये कैसा मॉन्स्टर है वहाँ पे? ओके, पेपा पिग कह रहा है कि हमारे पेरेंट्स मर चुके हैं। ओके, ये रो रहा है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता।
ये क्या है भाई? भाई मेरे को पक्का रात में नींद नहीं आने वाली। ये क्या हो चुका है जॉर्जी को? The offerings मर गया, जॉर्ज मर गया। ये देखो पेपा पिग अभी भी जिंदा है। The offerings ओके, ये कैसा मॉन्स्टर है? आए पेपा पिग एक तवे पे बैठ गई। ये क्या था? पेपा पिग एक तवे पे बैठ गई और अपने को उसने उबाल दिया। ये क्या था दोस्तों एनिमेशन? मेरा 10 ब्रेन सेल डेड हो गया, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया। यो दोस्तों ये देखो, ये रहा अगला शानदार एनिमेशन, चलो इसे एंजॉय करते हैं। ये रही मम्मी पिग, ये भाग क्यों रही हैं? पता नहीं दोस्तों। ओके ये कौन है? अरे बाप रे, डैडी पिग मम्मी पिग को छक्का-चाक मारना चाहते हैं। शायद अपने शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो गए होंगे, ऐसा ही हो सकता है। ओके क्या वो मर जाएंगी? पता नहीं। ओके तो ये रहा पेपा पिग का कमरा। यहाँ पे पेपा पिग और जॉर्ज दोनों मस्त गहरी नींद में हैं। चीखों की आवाज आ रही है जिस वजह से ये दोनों लोग उठ गए। ये क्या हो रहा है दोस्तों? मम्मी पिग गई काम से। यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, मैं रो दूंगा। टन टन, ये क्या है? आराम से धीरे धीरे म्यूजिक चले। ओके म्यूजिक बहुत डरावना है। पेपा पिग और जॉर्ज दोनों नींद से उठ चुके हैं। ओके मेरे ख्याल से ये दोनों भी मरने वाले हैं। यार प्लीज ये लोग मरे ना। मम्मी पिग मर चुकी है, उनका ये रहा कटा हुआ गर्दन। लग रहा है दोस्तों आज खाने में पिग बनने वाला है। ये रहे डैडी पिग। डैडी पिग यहाँ पे आ चुके हैं। जॉर्जी भाग वहां से। यार ये बहुत अजीब है एनिमेशन। आए अबे पेपा पिग तो कुछ ज्यादा ही स्वैगी इंसान नहीं है, इसने डायरेक्ट एक गन निकाल दिया। डैडी पिग औकात में रहो। ओ भाई ये शॉटगन मस्त है, दिख क्या हूं। आए डैडी पिग अभी भी जिंदा है, ये कैसे? क्या मतलब एमो खत्म हो चुका है? नहीं यार एमो होना चाहिए। आए ओके एमो तो है गन में। अरे डैडी पिग अभी भी जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा? यो मैन, डैडी पिग असल में एक एलियन था, एलियन ने डैडी पिग का भेष बदला है। यो मैन ये कितना वियर्ड है, ये तो असल में एक एलियन निकला, मतलब एलियन ने मम्मी पिग को मारा है। वाओ ये बहुत अजीब था पर अच्छा था। चलो दोस्तों तो फटाफट से इस एनिमेशन को देख के भी ये मजा करते हैं। एक सेकेंड, डरावनी चीज देख के किसे मजा आता है पता नहीं। ओके ये दोनों लोग पार्टी कर रहे हैं घर पे। ओके तो ये रहा जॉर्ज, ये रहा पेपा पिग, दोनों लोग घर में यह डीजे बजा के ये पार्टी कर रहे हैं। ओके तो इन्हें किचन से कुछ सामान लाना है, तो जॉर्जी गया किचन से सामान लाने। ओके इसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए किचन से। ओके ये क्या, खिड़की में से पेनीवाइज क्लाउन आ गया, वाओ। ओके पेपा पिग को ये आवाज सुनाई दे दी है, इसलिए वो जॉर्ज की खोज में जा रहा। ये कैसा हंसी था? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जॉर्जी मर चुका है, ये रहा जॉर्जी का कटा हुआ गर्दन। ओके वैसे दोस्तों जॉर्जी का कटा हुआ गर्दन टेस्टी लग रहा है। ओके पेपा पिग आगे जा रहा है। ओके ये मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो क्लाउन से दूर जा रहा। ओके पेपा पिग जल्दी से वहां से दूर जाओ वरना क्लाउन तुम्हें मार देगा। 30 मिनट्स लेटर,
ओके, क्या पेपा पिग जिंदा बचता है? ओके, आई थिंक दिस इज फार एनफ। ओके, तो ये काफी ज्यादा दूर आ चुका है भागते भागते, लेकिन क्लाउन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आई एम सो टायर्ड, पेपा पिग थक चुका है। यो, क्लाउन तो यहाँ भी आ गया। ओके दोस्तों, तो फाइनली पेपा पिग और जॉर्ज दोनों खचाक खचाक मर जाते हैं।